अल्लाह ने फरमाया वई यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। ऐ नबी, अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई बीमारी देना चाहे, कोई तकलीफ में डालना चाहे, फला काशिफ लहु इल्ला हु, तो उस तकलीफ को अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। शिर्क की जड़ों को काटती है यह आयत। आज लोग कहां कहां जा रहे हैं, कोई किसी पेड़ पर धागे बांध रहा है, कोई किसी कपड़े को मनहूस समझ रहा है, कोई किसी कपड़े को बरकती समझ रहा है, कोई घर में उल्टी सीधी गिनतियों को लटका के समझ रहा है कि मेरे घर में बरकत आएगी। यानी जुमा की नमाज छोड़ने को लोग गुनाह समझते थे, अब जब लॉकडाउन लगा और जुमा की नमाज भी मस्जिदों में लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, घरों में पढ़ने लगे नमाज, जोहर पढ़ने लगे, तो दिल और सख्त हो गया। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, हालात सही हो गए, अब भी बहुत सारे लोग हैं जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, तो दिल सख्त हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ये तकलीफ, ये बीमारी, ये मुसीबत इसलिए आई थी कि तुम तजर्रो करते, तुम गिड़गिड़ाते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, मगर तुम तो उल्टा और जरी हो गए और तुम बहादुर हो गए और नाफरमान हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल सख्त हो गए और शैतान ने तुम्हारे आमाल को मुजयन कर दिया, तुम्हारे गुनाहों को अट्रैक्टिव बना दिया, तुम्हें अपने गुनाह गुनाह नजर नहीं आ रहे। दुश्मनी आज इस्लाम से और कुरान से इस कदर हो चुकी है कि कुरान पढ़ा जाए ये गवारा नहीं है, और उसके बाद भी हम लोग मसलक मसलक खेल रहे हैं और फिरका फिरका खेल रहे हैं, और उसके बाद भी हम सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए जब आज हमारी मुखालफत करने वाले आज कुरान के खिलाफ एक हो चुके हैं, इस्लाम के खिलाफ एक हो चुके हैं, और हर मोर्चे पर हमें और आपको जो है शिकस्त देने की साजिशें रची जा रही हैं। उसके बाद भी अगर हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। محترم حضرات, قرآن مجید کے ساتویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے। छठे पारे के आखिर में एक बात ये बताई गई कि अहले ईमान से सबसे ज़्यादा अदावत और दुश्मनी रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं। फरमाया लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरक, कि ऐ नबी आप ईमान वालों का सबसे बड़ा दुश्मन पाएंगे यहूदियों को और उन लोगों को जो मुशरिक हैं। वलतजिदन्न अक्रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीन आमनुल लज़ीन कालू इन्ना नसारा, और ऐ नबी आप ईमान वालों से सबसे ज़्यादा करीब पाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। तो ईसाई करीब हैं और यहूदी दूर हैं। ईसाई क्यों करीब हैं? फरमाया उसकी तीन वजह है। ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ। ईसाइयों के यहां किसीस होते हैं, किसीस कहा जाता है आलिम को, जो ईसाइयों के यहां आलिम होते थे, उलमा होते थे, पादरी होते थे, उनको किसीस कहा जाता है। तो एक तो उनके यहां उलमा होते हैं, वरुहबानन, और राहिब होते हैं। राहिब किसको कहा जाता है? जिसने दुनिया तर्क कर दी हो, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया छोड़ दी हो और अल्लाह की इबादत के लिए अपनी जिंदगी को खास कर लिया हो, उन लोगों को राहिब कहा जाता था। तो ईसाई तुमसे करीब होंगे क्योंकि उनके अंदर किसीस हैं और राहिब हैं। वह अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और तीसरी वजह यह है कि वह तकब्बुर नहीं करते। यहूदियों का तकब्बुर है, यहूदी बड़े घमंडी होते हैं, उनको लगता है कि हम जहन्नम में नहीं जा सकते। ईसाइयों की ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये देखो, कुरान करीम कितनी इंसाफ की बात करता है भाई। कुरान बार बार रद्द करता है यहूदियों का और ईसाइयों का। कुरान कहता है कि मैं जो रास्ता बता रहा हूं यहूदी उस पर नहीं चलते, ईसाई उस पर नहीं चलते, मगर जहां यहूदियों की कोई अच्छी चीज है या ईसाइयों की कोई खूबी है तो कुरान ने उसको जरूर बयान किया। ये कुरान का इंसाफ है, कुरान का अदल है। अब यहां से सातवां पारा स्टार्ट होता है।
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کے اوپر اتارا گیا, یعنی قرآن کو سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مما عرفوا من الحق, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا, انہوں نے سچائی کو پہچان لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کو پہچان لے گا وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا. جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا, جو قرآن کو واقعی میں اس کو محسوس کر کے پڑے گا, اس کی آنکھوں, وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا. ابھی یہ عیسائی لوگ ہیں, ابھی یہ ایمان نہیں لائے ہیں, مگر ان کے سامنے بھی جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ رونے لگے. اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, اور وہاں کا انصاف پسند بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے, اس کے دربار میں جب یہ معاملہ آیا اور مکہ کے کافروں نے دو لوگوں کو بھیجا کہ وہ لوگ جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو بھڑکائیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں, تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا, کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ملک کے بھگوڑے ہیں اور آپ بغاوت کر کے آئے ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک تقریر کی تھی, بڑی پیاری تقریر کی تھی. اس میں اسلام کا ایک انٹروڈکشن پیش کیا تھا حضرت جعفر نے, کہا تھا کہ بادشاہ سلامت, ہم مردار کھاتے تھے, شرک کرتے تھے, زنا کرتے تھے, قتل کرتے تھے, دنیا کے سارے حرام کام کرتے تھے, پھر ہمارے درمیان اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا, اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا, اس نے ہم کو بدکاری سے بچنے کا حکم دیا, اس نے پاک دامنی کا حکم دیا, ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کا نبی مانا اور ہم نے جو غلط کام کرتے تھے ان سے ہم باز آ گئے, ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتے ہو, ان کی شان کا انکار کرتے ہو, ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کی جن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے, اور پھر ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کے کلام کا ذکر ہے. اور جب وہ آیتیں پڑھی گئیں حبشہ کے دربار میں, نجاشی کے دربار میں, تو اس کے دربار میں جتنے علماء تھے, جتنے راہبین تھے, اور خود بادشاہ, سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اسی واقعے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور وہ حبشہ کا بادشاہ بعد میں اسلام بھی لے آئے, مسلمان بھی ہو گئے. وہ انہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار تو نہیں کیا, صحابی کا مقام تو ان کو نہیں مل پایا, مگر اسلام لے آئے. وہ اسی لیے جب ان کے انتقال کی خبر اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ کے نبی نے ان کی جنازہ غائبانہ بھی مدینہ کے اندر پڑھوائی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں, انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور انہوں نے کہا رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لے آئے, تو ہم کو گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ, اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں, باللہ وما جاءنا من الحق, ہم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں, اور اللہ کی طرف سے جو حق ہمارے پاس آیا ہم اس کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں. ونطمعوا ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين, جبکہ ہمارے دل کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر لے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی انسان اگر غور سے قرآن کی تلاوت کو سن لے تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس کے دل کی دنیا کو بدل دینے کے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت سنی انہوں نے اور ایمان لے آئے, پھر اللہ نے ان کو بدلہ کیا دیا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, ان کے زبان سے جو اخلاص والے کلمے نکلے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ نے ان کے عمل کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے بما قالو ان کے قول کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی اخلاص کی بنیاد پر کہی گئی ایک بات بھی انسان کو جنت میں لے کے چلی جاتی ہے.
اللہ نے کہا کہ صرف ان کے قول کی بنیاد پر، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمہ کی بنیاد پر ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. اس کے بعد قسم کا ذکر کیا گیا. قسم جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لغو قسم، جو آدمی یوں ہی کھاتا ہے بغیر مقصد کے، جیسے بعض لوگوں کی تکیہ کلام ہوتا ہے یار قسم سے قسم سے، وہ ہر بات میں قسم سے بولتے ہیں. سامنے والے کو کوئی بات بتانا، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ہر بات میں وہ قسم کہتے ہیں. تو ایسی قسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لغو قسم ہوتی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کا، تمہاری بیکار قسم کا، بے مقصد قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسم تم نے پکی کھائی ہے، جس کو تم نے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھائی ہے، اس قسم کی پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر واقعی میں آپ نے قسم کھانے کے مقصد سے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی. اب اگر آپ نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد پھر آپ نے اس کام کو کر دیا جس بات سے بچنے کی آپ نے قسم کھائی تھی، قسم کو توڑ دیا آپ نے، تو اب سچویشن، اس سچویشن میں کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں کفارہ بتایا. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ جو اوسط درجے کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو 100 روپیہ والا چاول کھلا رہے ہیں اور غریبوں کو آپ 20 روپیہ کلو والا چاول لیں گے، یہ نہیں چلے گا. جو ایوریج کھانا آپ کھاتے ہیں وہی کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلائیں گے. او کسوتہم، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلاتے، یا پھر 10 لوگوں کے کپڑے کا انتظام کریں. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کریں، 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں، یا غلام آزاد کرے، تینوں میں آپ کو چوائس ہے، آزادی ہے، آپشن ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم سے قسم ٹوٹ جائے. اگر قسم کھانے کے بعد کوئی قسم توڑ دے تو یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کی حفاظت کرو، بغیر مجبوری کے قسم نہیں توڑنی چاہیے. قسم کی ایک ویلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے شریعت نے ایک آپشن بتایا ہے کہ اگر قسم ٹوٹ جائے تو یہ کفارہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی قسم کھاتا رہے اور پھر توڑتا رہے. قسم جب بھی کھائیے اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اب شراب اور جوا کا ذکر کیا گیا. شراب کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ شراب یہ اکٹھے حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کئی اسٹیپ میں حرام ہوئی تھی، کیونکہ شراب برسوں سے پی جا رہی تھی، جنریشن بائی جنریشن لوگ شراب پی رہے تھے. اور جب گناہ کسی سماج کا حصہ بن جائے تو اتنی آسانی سے وہ گناہ نہیں چھوٹتا ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان دھیرے دھیرے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی لت لگ گئی تو گھر کے برتن بیچنے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو باپ کے پرس میں سے پیسے چرانے پڑیں گے مجھے، اس کی لت لگ گئی تو گھر کے سامان بیچنے پڑیں گے. مگر ایک فیشن، جب گناہ جب فیشن بن جائے نا، جب گناہ کا کریز ہو جائے، جب گناہ جو ہے سماج میں عام ہو جائے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے، تب بہت مشکل ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا. تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا. شراب کے بارے میں پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ ہے. فائدہ ہے، شراب پیتے تھے ان کو لگتا تھا ہمارے اندر پھرتی آ گئی، ایکٹیویٹی آ گئی، جوا کھیلتے تھے، پیسہ کما لیتے تھے، راتوں رات امیر بن جاتے تھے، فائدہ تو نظر آتا تھا. اللہ نے کہا کچھ فائدہ ہے، گناہ زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اے ایمان والو شراب اور جوئے کے اندر گناہ زیادہ ہے. یہ پہلا اسٹیپ تھا کہ شراب اور جوئے کی ایک کراہیت دل میں ڈال دی جائے کہ اس کے اندر گناہ ہے. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں سورہ نساء کی،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा, ऐ ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना, नमाज की हालत में तुम कम से कम शराब मत पियो। अब ये दूसरा स्टेप था शराब के बारे में। फिर तीसरा स्टेप ये नाजिल हुआ सूरह मायदा की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो बेशक शराब, जुआ और किस्मत मालूम करने के जो तीर तुम निकालते हो, वो तीर और वो तमाम के तमाम मास्ताने जहाँ गैरुल्लाह के नाम पर इबादत और पूजा होती है, ये सारे के सारे काम और रिज सुन ये गंदे काम है, मिन अमल शैतान शैतान के काम है। यानी शराब इतनी गंदी चीज है कि अल्लाह ने उसको शिर्क के साथ जिक्र किया है। एक इंसान अगर शराब पी रहा है और अपने आप को मुसलमान समझ रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने शराब को शिर्क के साथ बयान किया है। जितनी गंदी चीज अल्लाह ने शिर्क को करार दिया है उसी गंदगी गंदी चीजों के साथ अल्लाह ने शराब को जिक्र किया। फरमाया फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों इन तमाम चीजों से बचो तुम तभी कामयाब हो सकते हो। तो यहां कितनी चीजों का जिक्र किया, शराब, जुआ, किस्मत मालूम करने वाले तीर, वल अनसाब और गैरुल्लाह के नाम पर जितने आस्थाने होते, चार चीजों का जिक्र किया अल्लाह, और चारों चीजों को कहा कि ये गंदे काम है, शैतान के काम है। फिर इसमें से शराब और जुआ को अलग से जिक्र किया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा फिल ख़म्र वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ए ईमान वालो शैतान तो ये चाहता है तुम शराब के नशे में धुत हो जाओ, तुम जुए के चक्कर में पड़ जाओ। जब तुम शराब के नशे में पड़ जाओगे, तुम जुए के चक्कर में पड़ जाओगे तो नमाज का तुमको होश नहीं रहेगा, तुमको नमाज का होश नहीं रहेगा और शराब और जुए की वजह से तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होंगी, नफरत पैदा होगी और शैतान यही चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या अब भी तुम शराब पियोगे, क्या अब भी तुम जुआ खेलोगे, क्या अब भी तुम बाज नहीं आओगे। जब कुरान की ये दो आयतें नाजिल हुई शराब के बारे में, आज सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि टोबैको इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, तंबाकू आपकी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह, बड़ी खतरनाक सी तस्वीर बनी रहती है कैंसर की कि साहब इससे कैंसर होता है। हुकूमत लाइसेंस भी दे रही है, हुकूमत बिकवा भी रही है, मार्केट में धड़ल्ले से बिक भी रहा है सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, और साथ में वार्निंग भी लिखी है साहब ये नुकसानदेह चीज़ है। कुरान करीम ने कोई पब्लिसिटी नहीं की, मदीना के अंदर कोई पोस्टर नहीं लगे, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, बस कुरान की यही दुआ आयतें नाज़िल हुई और अल्लाह ने सहाबे किराम से ये सवाल किया, फहल अंतुम मुंतहून, ये क्वेश्चन मार्क अल्लाह ने छोड़ दिया कि ये शराब की ये हालत है, जुए की ये हालत, अब तुम बताओ है मेरे नबी के सहाबा कि आप भी शराब पियोगे। सहाबा ने अपने अपने घरों से शराब के बर्तन तोड़ दिए, अपने अपने घरों में जो शराब थी सब फेंक दी, मदीना की गलियों में पानी की तरह शराब बह गई और सहाबे किराम की जुबान से बस एक ही जुमला निकला, इंतहाइना इंतहाइना, ऐ अल्लाह अब आज के बाद हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बाज आ गए अल्लाह, अब हम शराब से दूर हो गए। अच्छा एक बात पर और गौर कीजिए, शराब और नमाज दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है, और शराब के बारे में कहा कि शैतान शराब के जरिए तुमको नमाज से रोकता है। गोया शराब ये उम्मुल फवाहिश है, तमाम बेहयाइयों की जड़ है, और नमाज उम्मुत ताआत है, तमाम नेकियों की जड़ है। जो नमाज पढ़ेगा वो शराब से भी दूर रहेगा और गंदगियों से दूर रहेगा, और जो शराबी होगा वो नमाज से दूर होगा। तो शराब और नमाज एक दूसरे की अपोजिट है। उसके बाद एक बहुत ही अजीम बात बयान की गई, सहाबे किराम के दौर में लोग एहराम की हालत में जब जाते थे, सफर हज पे निकलते थे, उमरा के लिए निकलते थे, तो उस जमाने में रास्ते में शिकार के जानवर हिरन हैं और नीलगाय है वगैरह वगैरह सब टहलते रहते थे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार करना हराम था।
अब आज के दौर का तो मामला था नहीं साहब, आप हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट जद्दा उतर गए, वहाँ से आप एराम आपने एयरपोर्ट से ही एराम बांध लिया, जद्दा में आप एराम की हालत में उतरे, वो तो दौर नहीं था ना। लोग ऊँट का सफ़र करते थे, लोग घोड़े का सफ़र करते थे, जंगलात थे रास्ते में। अब रास्ते में भाई खाने पीने की चीज़ें आदमी घर से लेके चलेगा, कितनी लेके चलेगा? तो अब भूख भी लग रही है, सफ़र भी लंबा है, लेकिन रास्ते में शिकार के जानवर नजर आ रहे हैं, मगर हम एहराम की हालत में हम शिकार नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी आजमाइश थी सहाबा के लिए कि उनकी गिज़ा, उनकी ज़रूरत, उनके खाने पीने की चीज़ उनकी आंखों के सामने से गुजर रही है, मगर वो टच नहीं कर सकते। वो चाहे तो हाथ बढ़ा के पकड़ लें हिरन को, नीलगाय को, वो तीर मारें हिरन को पकड़ लें, मगर शिकार नहीं कर सकते। अब ये जो इम्तिहान था, अल्लाह ताला ने उस इम्तिहान को जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैदि तनालुहु अय्दीकुम वरिमाहुकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारी आजमाइश कर रहा है, बेशैइम मिनस्सैदि शिकार के जरिए, तनालुहु अय्दीकुम वरिमाहुकुम, तुम्हारा हाथ भी उस शिकार तक पहुंच सकता है, तुम्हारे हथियार भी उस शिकार तक पहुंच सकते हैं, तुम चाहो तो अपने नेजे के जरिए भी शिकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने हाथ के जरिए भी शिकार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें शिकार करने की इजाज़त नहीं है। लियालमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है। सबके सामने तो अल्लाह से डरने का दावा सबको ही कर सकता है, लेकिन कौन है जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो लोगों की गैर मौजूदगी में अल्लाह से डरता है? आज हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और एक उंगली के टच पर दुनिया के तमाम गंदगियां, दुनिया की तमाम गंदगियां आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सकती है। गुनाह आसान हो गया ना, गुनाह आसान हो गया। पहले जिस काम को करने के लिए सफर करते थे लोग, सिनेमा हॉल में जाते थे, थिएटर में जाते थे, अब वो सारी चीजें तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई, और यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी की पकड़ का डर नहीं है, किसी कैमरे का डर नहीं है, आप हैं, तन्हाई है। अब यहां आपके तकवा का इम्तिहान, वो गुनाह जो प्राइवेसी के साथ किए जाएं, गुनाह के लिए प्राइवेसी का अवेलेबल होना, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने तन्हाई में होने वाले गुनाहों को बहुत ही खतरनाक बताया है। एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, हमारे नौजवान खास तौर से सुने, जो मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग है इस हदीस के अंदर हम सब के लिए। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला नो हैं, और इब्ने माजा की ये रवायत और बिल्कुल सही रवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे, रोज़ा लेके आएंगे, नमाज लेके आएंगे, ज़कात लेके आएंगे, हज लेके आएंगे, उमरा लेके आएंगे, सदका खैरात, नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे। फ़याजालू अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हबा मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? सिफहुम लना वजल्लहिम लना, अय अल्लाह के नबी ज़रा खोल खोल करके बयान कर दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, तुम्हारी तरह वो सारे के सारे काम करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, बस एक चीज़ का फ़र्क होगा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो बंद कमरे में होंगे, वो अल्लाह के हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज़ काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। वो इम्तिहान जो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा का लिया था, वो हालत एहराम में शिकार करने के ताल्लुक से लिया था, वो इम्तिहान आज इस मोबाइल के जरिए हम सबका लिया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी डेंजरस चीज भी है। इस चीज के जरिए आप अपने ईमान में इजाफा भी कर सकते हैं, अपने इल्म में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने ईमान को खतरे में भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए,
अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनकी वजह से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। यह बड़ी अहम आयत है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, ऐ ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो। ऐ ईमान वालो अपनी फिक्र करो, अपने गरेबान में झांको, अपनी टेंशन ले लो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, अगर तुम सीधे रास्ते पर हो तो जो लोग भटक चुके हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, उनके गलत रास्ते पर होने की वजह से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इस आयत का यह मतलब है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब हमारा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि साहब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो क्या इस आयत पर अमल करने का यह मतलब है कि हम चुपचाप से नमाज पढ़ें और पड़ोसी नहीं पढ़ता है, ना पढ़े, भाड़ में जाए, वो हमसे क्या फर्क पड़ता है। हम शराब नहीं पी रहे हैं, हमारा दोस्त पी रहा है तो हम तो नहीं पी रहे ना, हम तो सीधे रास्ते पर हैं, अगर वो पी रहा है तो पीता रहे, हमारा क्या बिगड़ेगा। कुरान कह रहा है कि अपनी फिक्र करो। क्या इस आयत का ये मतलब है? जी नहीं, इस आयत का ये मतलब नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि आपने अगर कोई बुराई देखी तो अगर पॉसिबल है तो अपने हाथ से रोकिए। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जुबान से रोकिए। और अगर ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है कि हाथ से भी नहीं रोक सकते, जुबान से भी नहीं मना कर सकते, तो कम से कम दिल में बुरा जानिए। अब उसके बाद अब आप अपनी फिक्र कीजिए। आपने अपनी ड्यूटी अदा कर दी, आपने मना कर दिया, आपने समझा दिया, आप जितना रोक सकते थे रोक दिया, अब उसके बाद सामने वाला नहीं मान रहा है, कोई मसला नहीं। अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपनी फिक्र करो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, जब तुम सीधे रास्ते पर हो तो जो लोग भटक गए उनके भटकने से तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा खुतबा दे रहे थे और इसी आयत को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा और कहा कि ऐ लोगों, तुम इस आयत को पढ़ते हो और इस आयत का गलत मतलब लेते हो। इस आयत का मतलब यह नहीं है कि अम्र बिल मारूफ छोड़ दो, नहीं अनिल मुनकर छोड़ दो, नेकी का हुक्म देना छोड़ दो, बुराई से रोकना छोड़ दो, इस आयत का यह कतान मतलब नहीं है। मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है कि इन्नन्नास इज़ा राऊ अज़्ज़ालिम, जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें, गलत काम करने वाले को गलत काम करते हुए देखें और उसको न रोकें, उसको रोकने की कोशिश न करें, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा अजाब आने वाला है जो उन सबको अपनी चपेट में ले लेगा। तो यह बात याद रखिए कि हमें यहां अल्लाह ने जो कहा कि हिदायत पर अगर तुम हो तो जो लोग भटक गए हैं उनके भटकने से आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने नेकी का हुक्म दे दिया, हमने बुराई से रोक दिया, अब उसके बाद अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। यहूदी आज अल्लाह के नबी को कितना बुरा भला कहते हैं, ईसाई अल्लाह के नबी को कितना बुरा भला कहते हैं। मैं तमाम दुनिया के यहूदियों और ईसाइयों को कुरान की दावत देता हूं कि आओ कुरान से उसलूब सीखो। कुरान ने कभी किसी नबी को गाली देने की तालीम नहीं दी। कुरान करीम ने अल्लाह के आखिरी नबी की नबूवत का ऐलान किया। कुरान करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत की तरफ लोगों को दावत दी, मगर पूरे कुरान में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की गई, पूरे कुरान में कहीं मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की गई। इस्लाम किसी पैगंबर की, किसी नबी की तौहीन करने की दावत नहीं देता है, बल्कि कुरान ने हजरत ईसा का सही मकाम लोगों को बताया, हजरत ईसा की फजीलत भी बताई, हजरत ईसा के मौजज़ात का भी तज़किरा किया। आइए सूरह मायदा की आयत देखते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन कौन से मौजज़े दिए थे, इस आयत में अल्लाह ने जिक्र किया। इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, याद करो जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह ताला कहेगा ईसा इब्न मरियम, उज़कुर नेमती अलैका वाला वालिदती का, ऐ ईसा याद करो मैंने कितनी नेमतें तुम्हारे ऊपर भी की थी और तुम्हारी माँ मरियम के ऊपर भी की थी। इज अय्यतु कबिरूहिल कुदुस, ऐ ईसा याद करो जब मैंने रूहुल कुदुस के जरिए तुम्हारी मदद की थी, जब मैंने जिब्रील के जरिए तुम्हारी मदद की थी। हजरत जिब्रील का एक नाम रूहुल कुदुस भी है, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा याद करो मैंने जिब्रील के जरिए तुम्हारी मदद की थी।
और याद करो तो कल्लेमुन्ना सफिल महदी व कहला, तुम माँ की गोद में थे और लोगों से बातें कर रहे थे। व कहला, और उस वक्त भी तुम बातें कर रहे थे जब तुम अधेड़ हो गए थे। अब यहां एक बात नहीं समझ में आती, भाई मां की गोद में बच्चा बात कर रहा है ये तो हैरत की बात है, लेकिन अधेड़ इंसान बात कर, अधेड़ किसको कहते हैं? जवानी और बुढ़ापे के बीच की जो उम्र होती है उसको अधेड़ कहते हैं, उसको अरबी में कोहूलत कहते हैं। जवानी को अरबी में शबाब कहते हैं, और 40 साल से लेकर के 50 साल 55 साल तक का जो पीरियड होता है बुढ़ापे के पहले वाला, उसको कहते हैं कोहूलत का पीरियड, अधेड़ का पीरियड, और उसके बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है उसको अरबी में शैबूबत या शयूखत बोलते हैं, इंसान बूढ़ा हो गया है ना। तो यहां अल्लाह ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में बात कर रहे थे और अधेड़ उम्र में बात कर रहे थे। ये अधेड़ उम्र में बात करना ये हैरत की बात कैसे है? हैरत की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उनको अल्लाह ताला ने 2000 साल पहले जब उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। अब कयामत के पहले वो फिर दुनिया में आएंगे और उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस के करीब होगी, अधेड़ उम्र होगी, उस उम्र में वो लोगों से बात करेंगे। तो हजारों साल का पीरियड गुजरने के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम बूढ़े नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। जब वो दुनिया में आएंगे तो जिस एज में अल्लाह ने उनको उठाया था उसी एज में दुनिया में वो आएंगे। ये है अल्लाह की कुदरत। तो कुरान करीम की यह आयत दलील है हजरत ईसा के जिंदा होने पर। जो हमारा अकीदा है, जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जो सलफ सालहीन का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है और कयामत के पहले दुनिया में आएंगे, तो ये आयत कुरान की दलालत कर रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और दुनिया में जब वो आएंगे तो अधेड़ उम्र में वो लोगों से बात करेंगे। उसके बाद फरमाया वही सल्लम तु कल किताब अवल हिकमत अव तौरा तवल इंजील, और ए ईसा याद करो हमने तुमको किताब का इल्म दिया, तुमको हिकमत का इल्म दिया, तुमको तौरात का इल्म दिया, तुमको इंजील का इल्म दिया। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म दिया, वो इल्म भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने तुमको इन किताबों का इल्म दिया। وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, और ए ईसा याद करो तुम मिट्टी से चिड़िया की शक्ल की चीज बनाते थे, मिट्टी से चिड़िया की शक्ल की चीज बनाते थे, मेरे हुक्म से बनाते थे। बेइज़नी, ए ईसा मेरे हुक्म से तो मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, फतनफुकु फीहा, और उसमें फूक मारते थे, फतकूनु तैरम बेइज़नी, और वो सचमुच की चिड़िया हो जाती थी मेरे हुक्म से। وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ, और तुम मादरजात अंधे इंसान को ठीक कर देते थे और कोढ़ी इंसान को ठीक कर देते थे मेरे हुक्म से। एक होता है कि साहब दुनिया में किसी हादसे की वजह से किसी की आंख चली गई, और एक होता है बच्चा पैदा हुआ तो पैदाइशी अंधा है, उसको अरबी में कहते अकमह, मादरजात अंधा, पैदाइशी अंधा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे अंधे को भी ठीक कर देते, वल अब्रस, और सफेद दाग पूरे बदन में हो जाते थे, कोढ़ की एक बीमारी होती थी, पूरा बदन जो है वो दागदार हो जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरते थे और पूरा कोढ़ी इंसान ठीक हो जाता था। अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा याद करो मेरे हुक्म से तुम कोढ़ी को ठीक कर देते थे और अंधे को ठीक कर देते थे। वह इज तुखरजुल मौता बिइज़्नी, और मेरे हुक्म से तुम मुर्दे को जिंदा कर देते, या चार मरतबा अल्लाह ताला ने बेइज़नी 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 का लफ्ज इस्तेमाल किया, यह बताने के लिए कि ए ईसाइयों ईसा अलैहिस्सलाम ये सारे काम करते थे, कुरान भी गवाही दे रहा है, वो मुर्दों को भी जिंदा करते थे, वो कोड़ी को भी ठीक करते थे, वो अंधों को भी ठीक करते थे, वो मिट्टी की चिड़िया बना के सचमुच की चिड़िया भी बना देते थे, मगर ये सारे काम ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे। वो अल्लाह नहीं थे, वो अल्लाह के बेटे नहीं थे, वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, और ये सारी चीजें उनको बतौर मौजजा उनको अता फरमाई। तो कुरान की आयत एक तरफ हजरत ईसा का मकाम भी बता रही है, उनकी फजीलत भी बता रही है, उनके मौजजे भी बता रही है, और दूसरी तरफ ईसाइयों को दावत दे रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने इन सारे मौजजात के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, उनको अल्लाह का बेटा कहने की हिम्मत मत करो, उनके उनकी गुस्ताखी मत करो, उनकी तौहीन मत करो। उसके बाद कुरान की वो आयत आती है, इस आयत को पढ़ करके हमारे नबी रोने लगते थे,
कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, ईसा क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा बना लो, मुझे माबूद बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, अल्लाह मुझे तो इस बात का कोई हक नहीं था, आए अल्लाह मैं तो तेरा रसूल था, मैं तो तेरा बंदा था, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, मुझे अल्लाह का बेटा को, आए अल्लाह मैंने तो हमेशा तेरी तौहीद की दावत दी, तेरी तरफ लोगों को बुलाया, और जब तक मैं जिंदा रहा तब तक तो मैं हालात को देख रहा था, जब मैंने उठा लिया तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि लोगों ने क्या किया। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, आए अल्लाह अगर तो इनको अजाब देगा तो ये तो तेरे बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम, और ऐ अल्लाह अगर तू माफ कर देगा तो बख्श देगा, फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो ऐ अल्लाह तू ताकतवर है, तू हिकमत वाला है, तू अगर इंतकाम ले ले तब भी तुझसे कोई पूछने वाला नहीं, तू माफ कर दे तब भी कोई पूछने वाला नहीं। कुरान की यही आयत थी, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात में कुरान पढ़ रहे थे और इसी आयत को आपने पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह अगर तू अजाब दे दे तो तेरे बंदे हैं, तू माफ कर दे तो तू ताकतवर हिकमत वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने सूरह इब्राहिम की वो आयत पढ़ी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह से कहते हैं, वमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका अंतल गफूरुर रहीम, ऐ अल्लाह जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना, तू रहम कर देना। ये दोनों आयतें पढ़ने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, और आप कहने लगे, उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, मैं अल्लाह के सामने रो रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा हूं कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए पैगाम भिजवाया, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे, आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। हमें बड़ा चाहने वाला नबी मिला है मेरे भाइयों, उस नबी की इत्तबा करो, उस नबी पर दरूद व सलाम पढ़ा करो, और उस नबी की मोहब्बत से अपने दिल को आबाद करो। तो सूरह मायदा की ये वो आयत है, इस आयत को पढ़ करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते थे। उसके बाद अब सूरह अनाम शुरू होती है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने अपने नबी से एक ऐसी बात कही कि अगर इस आयत को इंसान समझ ले तो शिर्क की तमाम जड़ों को यह आयत काट देती। अल्लाह ने फरमाया, वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफलहु इल्लाहु, ऐ नबी अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई बीमारी देना चाहे, कोई तकलीफ में डालना चाहे, फला काशिफलहु इल्लाहु, तो उस तकलीफ को अल्लाह के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। शिर्क की जड़ों को काटती है यह आयत। आज लोग कहां कहां जा रहे हैं, कोई किसी पेड़ पर धागे बांध रहा है, कोई किसी कपड़े को मनहूस समझ रहा है, कोई किसी कपड़े को बरकती समझ रहा है, कोई घर में उल्टी सीधी गिनतियों को लटका के समझ रहा है कि मेरे घर में बरकत आएगी। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफलहु इल्लाहु, ऐ नबी अगर अल्लाह ताला आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के सिवा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि उसको दूर कर सके। और अगर अल्लाह ताला कोई भलाई आपको पहुंचाना चाहे, कोई खैर आपको पहुंचाना चाहे, कोई अच्छी चीज आपको देना चाहे, तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अल्लाह से जब मांगा करो तो कभी यह मत सोचा करो कि पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी शक के साथ मत मांगा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं हदीस में कि अल्लाह से जब भी मांगो यकीन के साथ मांगो,
ये पॉसिबल इम्पॉसिबल मुमकिन नामुमकिन ये हमारे लिए अल्लाह के लिए नहीं है भाई। मछली के पेट में जिंदा रहना पॉसिबल है क्या? मछली के पेट में, समुंदर के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, तीन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था। तो अल्लाह को जब भी पुकारो तो यकीन के साथ पुकारो। ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल हमारे लिए होता है, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, अल्लाह के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक बात ये बताई गई कि कुरान करीम कभी कभी इंसान सुनता है लेकिन फिर भी कुरान उसके दिल तक नहीं पहुंचता है। अगर इंसान ईमान की नीयत से कुरान को न सुने, हिदायत की नीयत से कुरान को न सुने, तो ईमान कान तक तो पहुंचता है दिल तक नहीं, कुरान कान तक तो पहुंचता है दिल तक नहीं पहुंचता है। अभी आजकल एक इशू चल रहा है हमारे मुल्क में, पता होगा आपको, शायद न्यूज़ में देखा होगा आपने, हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में आजकल तरावी को लेकर के बड़े मसले चल रहे हैं। अब तरावी हो रही है साहब तो गैर मुस्लिमों को पसंद नहीं आ रहा है, बाकायदा FIR हो रही है कि साहब यहां मुसलमान जो है इस बिल्डिंग में इकट्ठा होकर नमाज, बिल्डिंग मुसलमान की है, जगह मुसलमान की, पब्लिक प्लेस में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में, अपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, वो भी काबिल एतराज है। बाकायदा मार्च निकल रहा है कि साहब ये तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं। हालात इस कदर संगीन हो चुके हमारे मुल्क के, तरावी पढ़ाने वाले इमाम को पकड़ के उसकी दाढ़ी काटी जा रही है, उसको पीटा जा रहा है, ये हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं। कुरान करीम, जाहिर है तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है ना, लेकिन वो कुरान लोग सुनना नहीं चाह रहे। दुश्मनी आज इस्लाम से और कुरान से इस कदर हो चुकी है कि कुरान पढ़ा जाए ये गवारा नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग मसलक मसलक खेल रहे हैं और फिरका फिरका खेल रहे हैं, और उसके बाद भी हम सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए जब आज हमारी मुखालफत करने वाले आज कुरान के खिलाफ एक हो चुके हैं, इस्लाम के खिलाफ एक हो चुके हैं, और हर मोर्चे पर हमें और आपको जो है शिकस्त देने की साजिशें रची जा रही हैं। उसके बाद भी अगर हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं हो रहा है तो इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं। तो कुरान कभी कभी सुना जाता है मगर कुरान दिल तक नहीं पहुंचता। आइए इस आयत को देखते हैं, अल्लाह फरमाता है وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ऐ नबी कुछ लोग कुरान सुनते हैं, आपके पास आकर आपकी बातें सुनते हैं, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ, लेकिन हमने उनके दिल के ऊपर पर्दा डाल दिया है, वो कुरान को समझ नहीं सकते, وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, और हमने उनके कानों को बहरा बना दिया है। कुरान सुनते तो हैं, कुरान की आयतें उनके कानों में पहुंचती तो हैं, मगर उनके दिल के तारों को नहीं छेड़ती हैं, उनके दिल के ऊपर कोई असर नहीं डालती हैं। कुरान उनके कानों में जा रहा है मगर हकीकत में वो बहरे हो चुके हैं, कुरान से उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिल में ईमान जितना मजबूत होगा ये कुरान उतना अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर कुरान आपके दिल की दुनिया को बदल नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि दिल के ऊपर गुनाहों की जो लेयर है और गुनाहों की जो परत है वो बहुत मोटी हो चुकी है और दिल के ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को जितना हम गुनाहों से दूर करेंगे ये किताब उतनी ज्यादा हमको समझ में आएगी। अगर कुरान को समझना है तो अपने दिल को गुनाहों से पाक और साफ करना पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसी आयत में पढ़ने जा रहा हूं जिस आयत को पढ़ते हुए हजरत अली बिन फुज़ैल इब्ने अयाज, जो बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे और तबा तबीन में से जिनका ताल्लुक था, अली बिन फुज़ैल इब्ने अयाज इस आयत को पढ़ते हुए हार्ट अटैक हो गया और इंतकाल कर गया। इस आयत ने उनके दिल पर ऐसा असर डाला कि इस आयत को पढ़ते हुए हजरत अली बिन फुज़ैल इब्ने अयाज शहीद हो गए, उनका उनके दिल की हरकत बंद हो गई। और इसलिए इस आयत को कहा जाता है, उनको उनको कतीलुल कुरान कहा जाता है, हजरत अली बिन फुज़ैल इब्ने अयाज को कतीलुल कुरान कहा जाता है कि कुरान की इस आयत ने उनको कत्ल कर दिया। इस आयत को पढ़ करके वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन सी आयत है? सूरह अनाम की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, सूरह अनाम की आयत नंबर 27 है, वलौ तरा इज वुकिफू अलन्नार, वलौ तरा इज वुकिफू अलन्नार, ऐ नबी काश आप वो मंजर देखें जब जहन्नमियों को जहन्नम के पास खड़ा कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम के पास रोक दिया जाएगा। फकालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिबा बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुमिनीन,
जब जहन्नमियों को जहन्नम के पास रोक दिया जाएगा और वो कहेंगे या लैतना नुरद्दू, ऐ काश हमें दुनिया में लौटा दिया जाता, ऐ काश हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाता, वनुमी वला नुकज़्ज़िब भी आयाति रब्बिना, और हम दुनिया में जाने के बाद अपने रब की आयतों का इनकार न करते, वनकून मिनल मोमिनीन, और हम ईमान वालों में शामिल हो जाते। अय अल्लाह, अब तक तो हमारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजरी है, अब तक तो हमने तेरी आयतों पर ईमान हम नहीं ला पाए, अय अल्लाह एक मौका और दे दे, अय अल्लाह एक बार तू दुनिया में दोबारा लौटा दे, अय अल्लाह तू इस जहन्नम से हमको बचा ले। मगर अल्लाह इस ख्वाहिश को पूरी नहीं करेगा। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा उसके बाद अब कोई दोबारा दुनिया में जाने वाला नहीं है, किसी को दूसरा चांस, जो चांस मिला है यही मिला है, अब दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं। यही वो आयत थी जिसको पढ़ करके हजरत अली इब्ने फुज़ैल इब्ने अयाज अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि मुसीबतें और तकलीफें हमें और आपको मौका देती हैं संभलने का। ये कोरोना वायरस आया, ये इसलिए नहीं आया था कि हमारे दिल और सख्त हो जाए। ये जलजला आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हम और गुनाह करें। ये जलजले, ये बीमारियां, ये वायरस, ये तमाम चीजें क्यों आती हैं, अल्लाह ने उसका मकसद इन दोनों आयतों में बयान किया। फरमाया वलकद अरसलना इला उम्मिम मिन कब्लिका, ऐ नबी हमने आपसे पहले भी बहुत सारे उम्मतों की तरफ रसूलों को भेजा, फाखज़नाहुम बिलबासाई वज़्ज़र्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ऐ नबी हमने आपसे पहले भी बहुत सारी उम्मतों के ऊपर तकलीफ़ें डाली, बीमारियां डाली, मुसीबतें डाली, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तजर्रो इख्तियार करें, अल्लाह की बारगाह में आजजी इख्तियार करें, आहोजारी करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। फलौला इज जाहुम बासुना तजर्रऊ, तो होना तो ये चाहिए था कि जब हमारा अजाब आया, जब हमारी तरफ से बीमारियां आईं, तकलीफें आईं, तो होना तो ये चाहिए था तजर्रऊ कि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, तौबा करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते। वलाकिन कसत कुलूबुहुम वज़य्यन लहुम शैतानु मा कानू यअमलून, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने उनके गुनाहों को मुज़य्यन कर दिया। आज आप देख लें, वो लड़कियां, वो औरतें जो पहले मुकम्मल पर्दे में निकलती थी, अब कोरोना के दौर के बाद अब सिर्फ मास्क लगा के निकलती है, तो दिल तो और सख्त हो गया ना, पर्दा तो और कम हो गया पहले से, पर्दा तो और ज्यादा होना चाहिए था ना। जो नौजवान पहले मस्जिद में कम से कम जुमा में आता था, अब तो वो रमजान में साल में एक बार नजर आ रहा है, ईमान तो और कमजोर हो गया। पहले यानी जुमा की नमाज छोड़ने को लोग गुनाह समझते थे, अब जब लॉकडाउन लगा और जुमा की नमाज भी मस्जिदों में लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, घरों में पढ़ने लगे नमाज, जोहर पढ़ने लगे, तो दिल और सख्त हो गया। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, हालात सही हो गए, अब भी बहुत सारे लोग हैं जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, तो दिल सख्त हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ये तकलीफ, ये बीमारी, ये मुसीबत इसलिए आई थी कि तुम तजर्रो करते, तुम गिड़गिड़ाते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, मगर तुम तो उल्टा और जरी हो गए, और तुम बहादुर हो गए और नाफरमान हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल सख्त हो गए और शैतान ने तुम्हारे आमाल को मुज़य्यन कर दिया, तुम्हारे गुनाहों को अट्रैक्टिव बना दिया, तुम्हें अपने गुनाह गुनाह नजर नहीं आ रहे। उसके बाद अल्लाह के इल्म का एक नक्शा खींचा गया, और इसी पर मैं बात खत्म करूंगा कि अल्लाह का इल्म कैसा है, अल्लाह 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 की नॉलेज का हाल क्या है। फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्लाहु, अल्लाह ताला ही की जात है जिसके पास गैब की कुंजियां हैं, गैब की कुंजियां, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है, अल्लाह के नबियों को भी इल्म गैब नहीं है। यह अकीदा नोट कर लो, अल्लाह के नबियों को इल्म गैब मानना और यह मानना कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे, यह अल्लाह की तौहीन है। हां, बहुत सारी गैब की बातें अल्लाह ने अपने नबियों को बताई थी, मगर आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्लाहु, गैब की कुंजियां सिर्फ अल्लाह के पास है। और गैब की कुंजियां किसको कहते हैं? पांच चीजों को गैब की कुंजी कहा जाता है, जो सूरह लुकमान की आखिरी आयत में अल्लाह ने बयान किया। कौन सी पांच चीजें हैं? कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, रहम मादर में जो बच्चा है वो क्या होगा,
किस हाल में होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, मोमिन होगा, काफिर होगा, फरमा बरदार होगा, मुनाफिक होगा, उस बच्चे के बारे में सारी डिटेल अल्लाह को मालूम है। इंसान कल क्या करेगा अल्लाह को मालूम है, और मौत कहाँ आएगी अल्लाह को मालूम है। ये पांच चीज़ें सूरह लुकमान की आखिरी आयत में बयान की गई, ये गैब की कुंजियाँ हैं जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। फरमाया وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, गैब की कुंजियाँ सिर्फ अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ही के को पता है उनके बारे में। وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, और खुश्की में क्या हो रहा है और समुंदर में क्या हो रहा है ये अल्लाह को मालूम है। وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, और कायनात में अगर कहीं पर कोई पत्ता भी गिरता है तो उस पत्ते के बारे में भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह, कायनात में पूरी दुनिया में किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, उस पत्ते के गिरने का इल्म भी अल्लाह को होता है। जो अल्लाह पेड़ से गिरने वाले पत्तों का इल्म रखता है, वो रात के अंधेरों में हमारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं जानता होगा। जिस अल्लाह को कायनात के किसी पेड़ से गिरने वाले पत्ते का इल्म है, उस अल्लाह की बारगाह में जो बंदा रात को रोता है और उसकी आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं, क्या उन आंसुओं को अल्लाह नहीं जानता है? मेरे प्यारे साथियों, जो अल्लाह कायनात के पेड़ के पत्तों के गिरने का इल्म रखता है, उस अल्लाह को अपने बंदों के आंसुओं का भी इल्म है। उस अल्लाह को पता है मेरा कौन सा बंदा रात में गुनाह कर रहा है और कौन सा बंदा मेरी बारगाह में रो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है वो भी अल्लाह को मालूम है। वला हब्बतिन फी ज़ुलमातिल अर्ज़ी, और ज़मीन की तारीकियों के अंदर अनाज का कोई दाना छुपा हुआ है, लाखों करोड़ों दाने ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं, अल्लाह को उस दाने के बारे में भी मालूम है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और दुनिया में कोई सूखी चीज़ नहीं है, कोई गीली चीज़ नहीं है जो अल्लाह की किताब मुबीन में, जो अल्लाह की लोहे महफूज में जिसको दर्ज न किया गया हो। अल्लाह की उस किताब में सब दर्ज है। कयामत तक होने वाली एक एक एक्टिविटी अल्लाह की किताब में दर्ज है, उस किताब मुबीन में दर्ज है। तो जिस अल्लाह का इल्म ऐसा है मेरे भाई, उस अल्लाह से हमें और आपको डरना चाहिए। हमें कोई गुनाह करने के पहले और उस अल्लाह की नाफरमानी करने के पहले सोचना चाहिए कि हम, अगर हम ऐसा समझते हैं कि अल्लाह को नहीं पता है, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जिस अल्लाह को कायनात में गिरने वाले हर पत्ते का इल्म है और ज़मीन के अंदर छुपे हुए अनाज के दानों का इल्म है, उस अल्लाह को हमारी हर एक्टिविटी का इल्म है और अल्लाह को हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सातवें पारे की कुछ आयात थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।